अस्सलामुअलैकुम यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो एक और न्यू व्लॉग, और जैसे कि आपने थंबनेल से देखा है कि मेरे व्लॉग में आज क्या है जी, मैंने की है ऑनलाइन शॉपिंग। और वो लोग जो कि बहुत शौकीन हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, उनके लिए आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब सुबह हो गई है, मॉर्निंग है जनाब, फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होने के बाद आ गई हूँ लाउंज में, कल लॉन्ड्री की थी तो जनाब आज कपड़े जो है वो निकालने हैं और उनके बाद आज उनको इस्त्री भी करना है। तो लॉन्ड्री की जो बाद वाले दिन होता है ना, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोशिश यही होती है कि लॉन्ड्री के बाद जनाब उनको इस्त्री करके भी रख लिया जाए। नहीं तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि सेकंड टाइम लॉन्ड्री हो जाती है और उसके बाद फिर कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि फिर ख़ुद ही बंदा परेशान होता है। तो यहाँ जनाब इतनी कोई शदीद वाली गर्मी है, टाइम अभी सिर्फ 11:30 हुए हैं और लेकिन गर्मी इतनी कोई पीक वाली है, बिल्कुल धूप बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के व्लॉग में जो मेन चीज़ है वो अभी हुई थी, मैं अभी कपड़े ही समेट रही थी तो कि मेरा एक पार्सल आ गया जिसका मुझे शायद 2 दिन से इंतज़ार था, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की थी ट्रेंड्रियल से। इससे पहले जनाब यहाँ पे नहीं था अमेज़ॉन, और कुछ टाइम पहले ही टिमो आया था, मैंने वहाँ से भी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी लेकिन उसका एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फिर मैंने जनाब ट्रेंड्रियल से शॉपिंग की, और वो क्या शॉपिंग थी वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जनाब ये पार्सल 2 दिन पहले आया था, रात में मेरे पास पहुँचा था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जो कि मुझे बहुत नीड भी थी। और मैं यहाँ ओमान में देख रही थी तो मुझे होम सेंटर में जा रही थी, दुनूब जा रही थी, जिस जगह भी जा रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। लेकिन ये ट्रेंड्रियल में ऑफर्स आई हुई थी 65% की, और उसके बाद अगर आप किसी व्लॉगर का कोट लगा रहे थे तो फिर आपको उस पर 20% और भी डिस्काउंट मिल रहा था। तो जनाब मैंने इस्मत के नाम से एक व्लॉगर हैं उनका कोड लगाया और कुछ चीज़ें ऑर्डर की। तो जो सबसे पहले चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है मिनी पॉट, और छोटे छोटे से पॉट को भी बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाना होता है तो मेरे पास नहीं थे छोटे पॉट, तो ये मैंने ऑर्डर की। ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली, 65% वैसे ऑफ था, और उसके बाद जब मैंने कोड लगाया तो 20% ये मुझे ऑफ और मिलने के बाद 3.5 का ये मुझे 3 जो है ना पॉट का सेट मिला है, जिसमें से एक फ्राई पैन है, एक छोटी जो है वो देगची है, और इसके अलावा एक सॉस पैन भी है। कलर बहुत प्यारा था, इसमें 2-3 कलर थे पर मुझे ये पिंक कलर जो है वो अच्छा लग रहा था, इस टाइप के मेरे पास थे भी नहीं, तो ये मैंने ऑर्डर किए। और जब इसकी क्वालिटी में देख रही हूँ तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि जो ओमान में रहते हैं उनके लिए तो अमेज़ॉन भी नहीं था, और ये जो टिमो और इसके बाद अब ये ट्रेंड्रियल जैसी ऐप्स आ गई हैं तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। तो जनाब यहाँ पर मैं इसका दूसरा पार्सल खोल रही हूँ, और इस पार्सल में मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या चीज़ है, अब खोलने के बाद मुझे पता चलेगा, क्योंकि चीज़ें मैंने कुछ इतनी ज़्यादा ऑर्डर कर दी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या होगा। जी मैंने एक पिज़्ज़ा पैन मंगाया था और बहुत अच्छी क्वालिटी का था पिज़्ज़ा पैन, मेरे पास था एक, लेकिन ये कि कभी अचानक से कोई गेस्ट आ जाए या जल्दी होती है तो मुझे 2 पिज़्ज़े एक साथ बनाना पड़े तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती थी। फिर मेरे पास जो है वो कुकीज़ वाली ट्रे होती थी, मैं उस पर दूसरा पिज़्ज़ा बेक करती थी। इसके अलावा मैंने रनर बहुत ढूंढे, ये है टेबल रनर और डाइनिंग टेबल रनर कह लें या कॉफ़ी टेबल रनर, तो यहाँ पर मैं बहुत सारी जगहों पर देख रही थी लेकिन मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहे थे। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलें जनाब यहाँ से मंगा के देखती हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। और अगर इसके प्राइस मैं आपको बताऊं ऑफ़र के बाद तो ये मुझे तकरीबन 700 पैसे का पड़ा, यानी कि पाकिस्तानी 500। तो जनाब ऑफ़र वैसे ही चल रही थी तो मैंने कुछ चीज़ें जो बहुत नीड थी वो ऑर्डर की, और एक साथ ये मेरी गलती थी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, जबकि मैंने सोचा था कि मुझे कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी चाहिए, पहले देखना चाहिए कि चीज़ें कैसी आती हैं, क्योंकि टिमो का जो लास्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो मेरा बिल्कुल बेकार था ऑनलाइन शॉपिंग का, और मैंने सोच लिया था कि मैं कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी। लेकिन इतनी सारी चीज़ें ऑफ़र में जब मुझे दिखीं तो मैंने ऑर्डर कर दी। इसके अलावा वो था कॉफ़ी टेबल रनर और ये था मेरी डाइनिंग टेबल का रनर, यहाँ से मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था पर जनाब ट्रेंड्रियल ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। और उसके बाद जब चीज़ें मैं खोल रही हूँ तो इतना कोई दिल खुश हो रहा है कि जनाब मैं तो सब
आपको ही मशवरा दूंगी कि ऑफ़र्स चल रही हैं, ज़रूर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली ऐसे होता है। वैसे तो मैं बहुत कम ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, पर जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ उसमें कोई ना कोई जो है वो गलत चीज़ आ ही जाती है, या ऐसी चीज़ आती है जो किसी काम की नहीं होती, वही चीज़ आप नॉर्मल दूसरी शॉप्स पे या मॉल्स में जाके आपको ईजीली मिल जाती हैं। अब मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की थी और ये बहुत बेहतरीन जो है वो कुकिंग वाले पोर्ट थे और मुझे नीड भी थी, लेकिन यहाँ मेरे साथ एक थोड़ा सा इसमें मसला हो गया, लेकिन उस मसले का भी हल टेंड्रियल ने निकाला। जब मैंने इसको ओपन किया तो खोलते ही मुझे सबसे पहले तो एक फ्राई पैन थोड़ा सा टेढ़ा लगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी देगची थी वो भी जनाब शायद डिलीवरी के टाइम या चीज़ें जो है वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो उस चक्कर में जनाब ये टेढ़ी हो गई हैं इतनी ज़्यादा कि आपका ढक्कन सही बंद हो ही नहीं रहा। तो दो चीज़ें इसमें जो है वो बिल्कुल जो है ऐसी थी कि वो यूज़ में नहीं आने वाली थी। फिर मैं और आयशा मेरे साथ थी, क्योंकि आयशा आई हुई थी तो उस टाइम ही मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि ऐसा देखें कि कोई ऐसी चीज़ है। जी हाँ, इसमें बिल्कुल हमें इसका हल नज़र आया, और इसका हल था कि हम अपने ऑर्डर को जो है वो वापस भी करा सकते हैं। रिटर्न का इनके पास था कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी ना लगे या कोई सी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो आप रिटर्न भी करवा सकते हैं। बस मैंने फिर इस पॉट की पिक्चर ली आयशा ने, मैंने उसी टाइम हमने इनको जो है वो मेल कर दी, और तकरीबन 3 to 4 hours के बाद इन लोगों का रिप्लाई आ गया कि ठीक है, हम आपका ये जो आइटम है वो वापस करेंगे और आपको इसके पैसे दे देंगे। तो जनाब ये मसला भी मेरा सॉल्व हो गया, पर ये सेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने बहुत दिल से मंगाया था, और इसी सेट की वजह से मैंने और तमाम चीज़ें मंगाई थी, तो वो तमाम चीज़ें तो अच्छी आ गई, लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मसला इसलिए नहीं है कि इस प्रॉब्लम का हल भी मिल गया कि ये रिटर्न हो जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें 2 दिन पहले आई थी, और आज सुबह जब मैं कपड़े ही समेट रही थी तो फिर मेरे दरवाज़े पे बैल बजी और मेरा जो आखिरी पार्सल था वो भी मुझ तक पहुंच गया। और ये पार्सल में जो चीज़ निकली है वो भी बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ आई है। लेकिन जब मैंने ये पार्सल अपना रिसीव किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका कोई पार्सल रिटर्न का भी है, तो वो जो पॉट मेरे ख़राब थे कुकिंग वाले, और वो मैंने उनको रिटर्न कर दिए हैं, अब कुछ टाइम के बाद मुझे उसके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। और ये मैंने मंगाए हैं किचन के लिए स्पाइसेस जार विद स्टैंड, और इसमें स्पून भी है, आपको ढक्कन जो है वो पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, स्पून वाला जो कैप है वो ईज़िली जो है वो निकल जाएगा जार से, और इसका स्टैंड भी बहुत अच्छा है। टोटल इसमें तकरीबन 12 जो है वो स्पाइस के जार हैं, और जो थर्ड वाला ऊपर वाला एक और पोर्शन है वहाँ पे मैं छोटे जार भी रख सकती हूँ। तो जनाब ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी, और साथ जो है वो स्पाइसेस के जो नेम हैं वो भी जो है दिए हुए हैं, मैं इसमें ईज़िली जो है इस पर लगा सकती हूँ जो भी स्पाइसेस मैं डालूँगी। इसके अलावा मैंने मंगाए थे कुछ छोटे 1 kg के जार जिसमें मैं अपने दालें वगैरह या मैक्रोनी या दूसरे स्पाइसेस वगैरह डाल सकूँ, तो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी विद कैप, और इसके साथ भी इसके जो है वो नेम जो है वो मेंशन थे कि मैं जो भी चीज़ रखूँ तो मैं उसके नेम को इसके जो है वो जार पे चिपका दूँ। तो जनाब मेरा तो एक्सपीरियंस टेंड्रियल का बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा रहा, और ज़रूर आप लोगों को भी तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी। तमाम चीज़ें पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओमान में रहने वालों से ज़रूर कहूँगी कि जनाब बिल्कुल आप लोग टेंड्रियल से शॉपिंग करें, क्योंकि चीज़ बहुत अच्छी है। ये था आज का व्लॉग, होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।